असम बेटा चलो हमारे साथ फौरन। मैं तुम्हारे साथ इस तरह का सलूक होते इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। कैसी बातें कर रहे हैं, ये कोई हल थोड़ी है मसले का। जब इनके मसले हल हो जाएंगे ना तो हमारी बेटी भी इस घर में वापस आ जाएगी। चलो तबस्सुम। अभी अभी अल्लाह का वास्ता है आपको, मेरी तबस्सुम को यहाँ से मत लेकर जाएं अपने साथ। आप तो समझदार आदमी हैं, आप तो समझते होंगे। देखिए मेरी बात सुने, अम्मा की तबीयत खराब हो गई ना, जहर सी बात है, इतनी बड़ी रकम है वो जल जाएगी, तो इंसान के दिमाग पर भारीपन होगा, इसलिए अजियत के शिकार होकर चली गई है वो। आप तो समझे अभी। अकबर बेटा, गुस्से में ही जो अंदर के जज्बात होते हैं ना वो बाहर आ जाते। बेटा चलो। नहीं अभी, मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी। आप लोग घर जाएं, घर जाएं अम्मी को ले। चले चलते चले। तैयबा मेरी बात सुनो, जब तुम आओगी ना वलीमा तभी होगा। और अगर मैं अगले साल तक भी नहीं आ सकी फिर? हाँ तो मैं साल तक वलीमा नहीं करूंगी, समझ लो इस बात को। अब मम्मी वलीमा सुन्नत है। मेरी बात सुनो, वालिदैन के जो अतात होते हैं ना वो भी औलाद पे फर्ज होते हैं। तुम्हारे भाइयों ने तो कोई फर्ज पूरे नहीं किए, मैं सारी सुन्नतें पूरी करती रहूं। हाँ और बात सुनो, ये जो चोचले होते हैं, ये नाज नखरे जो होते हैं ना बहुओं के, ये उनके उठाए जाते हैं जिनको प्यार से लेकर आते हैं। ना मैं प्यार से लाई हूँ, ना ही मेरा दिल था। भाई मम्मी, मेरे ससुराल वाले मुझसे सवालात करते रहते हैं कि ना बड़े भाई का वलीमा हुआ है ना छोटे भाई का वलीमा हुआ है। ये ना तुम्हारे मनूस ससुराल में जो शादी थी ना, ये सारा चक्कर उसी में हुआ। ना हम उस शादी में जाते और ना ये डायने हमारे पीछे लगती। अच्छा बस, ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। तबीयत? अरे यहाँ तो जिंदगियाँ खराब हो गई हैं। इतनी बड़ी बड़ी उम्र की औरतें मेरी जिंदगी पे आ गई हैं, मुझे तो ये डर लग रहा है कि मेरे बच्चों की नस्ल आगे बढ़ा भी सकेंगी कि नहीं। वो दोनों अपनी बीवियों के साथ बहुत खुश हैं और आप भी उन्हें खुश रहने दें, ठीक है? बात सुनो, दूर बैठ के ना मुझे लेक्चर मत दिया करो, जाओ अपना काम करो। हेलो, लो जी इंटरनेट भी बंद हो गया। आए जरा ये इंटरनेट के पैसे लेने, बताती हूँ उसको मैं।